तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांजिशन स्टेट एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब एनर्जी, देयर बॉन्ड्स आर लूजन एंड न्यू लूज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है, जब भी एक मान लो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, ये आपका एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है, चलो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये ए ए है, ये बी और बी, दो रिएक्टेंट क्या होना है और आगे जाके ए बी बनना है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब एनर्जी, इनको अभी आपने पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट यही है कि इनको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं यहाँ से, और ये बॉन्ड जो है वीक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, देयर बॉन्ड्स आर लूजन, ये बॉन्ड्स आपके टूट जाएंगे और न्यू लूज बॉन्ड्स आर फॉर्म, नए बॉन्ड्स बन जाएंगे, इसका ये कहने का मतलब है। The transformation from reactants to products occur by generation and degeneration of number of configurations। The transformation from reactants to products occur by generation and degeneration of number of configurations। क्या मतलब है इसका, देखो ये आपके रिएक्टेंट हैं, ये एक रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट बन गया, तो क्या इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है वही इसका भी स्ट्रक्चर है, नहीं, ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, इसके बीच में इनके स्ट्रक्चर में इनमें काफ़ी चेंजेस आएंगी, ऐसे ऐसे कुछ चेंजेस आएंगी, तब जाके ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो ये जो बीच की रिएक्शन हैं, ये जो बीच के आपके चीज़ें हैं, इनसे कुछ और बनेगा, उससे कुछ और बनेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होगी, उससे कुछ और बनेगा, उससे कुछ, अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा। तो द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स अगर बाय जनरेशन एंड डीजनरेशन, और ये पहले बनते हैं, खत्म होते हैं, दूसरा बनता है, फिर खत्म होता है, दूसरा बनता है, ये जो कॉन्फिग्रेशंस हैं, नंबर ऑफ जनरेशन एंड डीजनरेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉन्फिग्रेशन, बहुत सारी कॉन्फिग्रेशंस इसमें बनती हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स बनते हैं और अल्टीमेटली फिर आपका प्रोडक्ट बनता है। The highest potential energy configuration of the atoms, configurations of the atoms during the reaction is called transition state, transition state। क्या मतलब है इसका, highest potential energy configurations of the atoms during the reaction is called the transition state। आप एक ग्राफ बनाएंगे, बट ये आप लास्ट पे बनाएंगे, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद ये ग्राफ आप लास्ट पे बनाएंगे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अभी आप देख लीजिए, ये यहीं पे रहेगा। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये एक्टिवेशन एनर्जी को करता है, और ये आपका प्रोडक्ट्स। द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी का, अब ये रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स, ठीक
ठीक। तो मैंने आपको बोला कि डायरेक्टली इसके और उसके स्ट्रक्चर में सेम सिमिलैरिटीज नहीं होंगी, ये स्ट्रक्चर पहले किसी और में चेंज होंगे, फिर किसी और में चेंज होंगे, तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन आएंगी, बहुत सारी चेंजेस आएंगे उनके स्ट्रक्चर में। तो हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है, हाईएस्ट पॉइंट पे इसको आप बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एटम्स ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलते हैं, जो बिल्कुल पीक पे है, इसको आप ऐसे ही बना के रखेंगे। इसका ट्रांजिशन स्टेट। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, हमने टॉपिक पढ़ा आपका ट्रांजिशन स्टेट क्या है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है। ट्रांजिशन स्टेट समझ आए, हाईएस्ट बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन मींस रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स थ्रू अ रेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस एंड द कॉन्फ़िगरेशन एट द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, द रेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस near the transition state that the atoms pass through refer to activated complex। The transition state is the configuration at the peak of the diagram। While activated complex can refer to any point near maximum। देखो जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, और नियर मैक्सिमम जो इसके आसपास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, इसके आसपास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, उनको आप बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। द ट्रांजिशन स्टेट इज द कॉन्फ़िगरेशन एट द पीक द रेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नियर द ट्रांजिशन स्टेट दैट द एटम्स पास थ्रू। ये यहां से लेकर यहां तक इसके आसपास जो कॉन्फ़िगरेशंस होंगी उनको आप बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। पूरे इस सिस्टम को आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, बहुत सारी वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस को आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। द ट्रांजिशन स्टेट इज द कॉन्फ़िगरेशन एट द पीक ऑफ द डायग्राम व्हाइल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैन रेफर टू एनी पॉइंट नियर द मैक्सिमम। यहाँ इसके इस मैक्सिमम के नज़दीक कोई होगा कॉन्फ़िगरेशन तो उसको आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, बट जो बिल्कुल मैक्सिमम होगी उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। ठीक है, इसको आप बना लेंगे। ऑल दीज कॉन्फ़िगरेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये जो सारी कॉन्फ़िगरेशंस बनेंगी, जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, इसके बाहर से यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, यहाँ पे कुछ तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मिला के इंक्लूडिंग द ट्रांजिशन स्टेट, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से कुछ डिफरेंट होती, अलग होती।
ठीक है, ये आपका हो गया, आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच हैज ओल्ड बॉन्ड्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स विच हैज ओल्ड बॉन्ड्स एज वेल एज न्यू बॉन्ड्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज ओल्ड बॉन्ड्स एज वेल एज न्यू बॉन्ड्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ओल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं और न्यू बॉन्ड्स भी होते हैं, बट ऑल दीज बॉन्ड्स आर वीक इट इज अनस्टेबल एंड dissociates immediately to form products. क्या मतलब है इसका, देखो हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने H2 और I2 को मिलाना है और HI बनाना है, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना है, ये आपके रिएक्टेंट्स। तो ये क्या करेंगे, देखो H2 पहले मैं इनको थोड़ा खोल के लिखता हूं। H और सिंगल बॉन्ड H है प्लस I और सिंगल बॉन्ड I, तो ये बॉन्ड पहले वीक हो जाने, वीक हो जाते हैं और इनके बीच में नया बॉन्ड बनना है, तो बीच में एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आएगी HI, इसको आप बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब इनमें से ये बॉन्ड कुछ थोड़े वीक हो रहे हों और नए बॉन्ड बन रहे होंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज बॉन्ड्स, ओल्ड बॉन्ड्स एज वेल एज न्यू बॉन्ड्स। ओल्ड बॉन्ड्स भी होते हैं और न्यू बॉन्ड्स भी होते हैं, मगर सारे वीक होते हैं, बट ऑल दीज बॉन्ड्स आर वीक। वीक क्यों, क्योंकि ये टूट रहे हैं इसलिए वीक और ये नए बन रहे हैं इसलिए वीक। इट इज अनस्टेबल एंड डिसोसिएट इमीडिएटली टू फॉर्म प्रोडक्ट, और ये टूट जाते हैं और ये नए बॉन्ड बन जाते हैं। तो HI प्लस HI, तो हाइड्रोजन आयोडाइड ऐसे बन गया। दिस इज ऑल अबाउट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ्स फॉर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो आप ग्राफ हम बहुत बार बना चुके हैं, ऐसा ही ग्राफ आपने बनाने हैं, दो ग्राफ बनाने, एक एंडोथर्मिक के लिए एक एक्सोथर्मिक के लिए। चलो इसको आप एंडोथर्मिक के लिए रख लो एंड दिस इज फॉर एक्सोथर्मिक, बिल्कुल नियरली सेम ग्राफ है। ये आपकी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, और ये है आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखो ये रिएक्टेंट है, चलो हम ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स पहले इंक्रीज होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बेरियर को क्रॉस करते हैं और आपका प्रोडक्ट बनता है। ये हम बना रहे हैं एंडोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक मतलब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा, ये आपके आगे प्रोडक्ट्स, इसको इस रिएक्टेंट के लेवल से ऊपर बनाना है, ठीक है। और ये जो है आपका रिएक्टेंट, मान लो आप यहां से शुरू करेंगे
इसको भी ऐसे करके एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करके इसको रिएक्टेंट के लेवल से नीचे बनाना है, रिएक्टेंट के लेवल से नीचे बनाना है। देखो क्या मतलब है इसका, ये है रिएक्टेंट्स की एनर्जी और ये है प्रोडक्ट्स की एनर्जी। इससे आपको दिख रहा है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा है। तो अगर आपने इसको देना एनर्जी आपने दी, आपने इसको एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर है वो यहां से शुरू होता है, ये यहां से शुरू होता है एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर। आपने इसको इन रिएक्टेंट्स को यहीं से उठाना है, आपने दी यहां से दी इतनी दी और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मान लो यहां से लेकर ये लेट बैरियर जो है इसका मान लो 10 कितना है 10 किलो जूल है, इतना यहां से आपने रिएक्टेंट्स को 10 दी और जब वो वापस आए तो उन्होंने रिलीज भी करनी है एनर्जी, रिलीज भी करनी है। तो रिलीज करके अब ये ऊपर ही आ गए, मान लो ये 8 पे रुके तो 2 आपने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है ना, 2 जो है वो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी इसको देनी पड़ रही है। तो ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का ये जो बीच का डिफरेंस है ये वाला, इसको आप बोलते हैं डेल्टा एच और ये आपको आएगा पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब क्योंकि आप इसको एनर्जी दे रहे हैं यहीं से दे रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की कम। मान लो रिएक्टेंट की 10 है और प्रोडक्ट की 12 है, तो यहां से यहां कन्वर्ट करने में आपने 2 जूल एनर्जी देनी पड़ी इनको, वो 2 जूल एनर्जी इनमें जाके रही, प्रोडक्ट्स में रही, देनी पड़ी। तो इट इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक वही रिएक्शन होती है जिसमें आप एनर्जी रिएक्शन को देते हैं। तो दिस इज फॉर एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट वहीं से निकलती, वहीं से निकलती। क्यों निकलती है वहां से, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए, आपने इनको एनर्जी दी और ये यहां तक वापस भी आई, जितनी आपने दी वो निकल भी गई, बट ये और नीचे है तो ये और निकल जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक प्रोडक्ट्स में जो ये जो डिफरेंस है ये आपका डेल्टा एच आएगा और ये नेगेटिव आएगा, एनर्जी बाहर निकल गई। मान लो इनकी 10 है तो इसकी 8 है, इसका जो लेवल है 10 जूल पे, इसका 8 जूल पे, इसका मतलब 2 जूल एनर्जी यहां से बाहर निकल गई और जब प्रोडक्ट्स बने तो 2 जूल एनर्जी बाहर आ गई। दैट इज व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक। तो ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए।